हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोको। तो मैं अभी हूँ बोको में। अभी जा रहा हूँ पार्वती हिल में। बोको से पार्वती हिल तक अराउंड 3.4 किलोमीटर होगा। चलिए पार्वती हिल में क्या क्या है आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए चल रहे हैं। बाइक को कह रहे कोल स्टार्ट। कितना तगड़ा लाइट है, क्या ही बोलोगे। ओए होए होए, अराउंड 500 मीटर आप में आ गया। तो इसका व्यू देखिए, कितना मजा लग रहा है ना। ऐसे पहाड़ का ऊपर में उतना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कितना नशे में है, और यहाँ से व्यू को एंजॉय कीजिए। ओए होए होए, मजा आ गया। तो अराउंड 1 किलोमीटर जैसा आप में आ गया। ये नज़ारा सेकर कीजिए, ये नज़ारा देखिए। ओए होए होए, की ब्यूटीफुल। क्या नाम लगे, मजा लगे ना। मजा लगे, मजा। तो ट्रैक में उतरने के बाद ही आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कार्तिक मंदिर। फाइनली आके पहुंच गया पार्वती मंदिर। अच्छा जो व्यू है ना, व्यू देखिए एक बार। ओए होए होए, ये व्यू चेक कर कीजिए। जो व्यू है ना, व्यू देख के मतलब जो जितना भी थकावट था ना, तकलीफ लग रहा था, पूरा ही खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे पार्वती मंदिर, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा गणेश मंदिर। यहाँ पे जो टेम्पल देख रहे हैं ना, यहाँ पे है आपका पार्वती मंदिर। इसका जो व्यू है ना, व्यू लाजवाब है। सनराइज भी हम लोग को देखने के लिए मिल गया। जा रहा है क्या? हाँ, इन लोगों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया तो मज़ा आ गया। 2 दिन फोटो भी खींचा है, फोटो भी अपलोड हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम में, अपलोड हो जाएगा। तो आपको देखने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब प्लीज, है ना, सब्सक्राइब करने मत भूलिए। बाय 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 बाय। तो फाइनली हम लोग आके पार्वती हिल के ऊपर में आके आराम से सो गया। इसका नींद ही आ गया था, मेरा भी नींद आ रहा है। तो इसकी नींद आ रही है मेरे को। ओके, सुकून सा। यही आपका पूरा पार्वती मतलब बोको बोको जितना भी एरिया है ना, यहाँ से पूरा व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो पार्वती हिल है, पार्वती हिल के बारे में, पार्वती मंदिर के बारे में थोड़ा मेरा दोस्त थोड़ा बता देगा आपको। तो दोस्त प्लीज, ये जो पार्वती जो टेम्पल है वो बोको के अंदर है। गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूरी है, और बोको से आपको 5.3। हाँ, बोको से 5.3 किलोमीटर। ये जो पार्वती हिल 1500 एबव में ये टेम्पल है। तो आके ये व्यू पॉइंट मिलता है, बहुत सुंदर मंदिर है। आप लोग भी आइए यहाँ पे। जो मतलब जो मंदिर है वो बहुत पुराना मंदिर है, व्यू भी अच्छा है, और सनसेट भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग टाइम में। सेमिस का जो मतलब कैलेंडर के हिसाब से जो होता है बोहाग फर्स्ट डे, तो हम लोगों का बोहाग बिहू बोलते हैं। बोहाग बिहू के जो फर्स्ट डे है वो आप उसी दिन हम लोग को यहाँ पे पूजा होता है। मुझे आप जितना भी बारे में पता चला है पूजा के बारे में, तो बाहर से भी आदमी आता है वो पूजा के लिए, है कि नहीं? हाँ, बहुत लोग आते हैं। असम में जो सनराइज और सनसेट होता है ना, वो देखने के लिए मिल जाता है आपका पार्वती हिल के ऊपर। और ऑल ओवर इंडिया का देखने के लिए मिल जाएगा कहाँ पे? ये डोंग वैली। डोंग वैली में तो एक्चुअली ये डोंग वैली जा गया है, इसलिए आपको मैंने पूछ लिया कि डोंग वैली में क्या स्पेशल है। तो ऑल ओवर इंडिया का जो सनराइज और सनसेट होता है वो देखने के लिए मिल जाएगा डोंग वैली में, और असम का देखने के लिए मिल जाएगा आपका हिल के ऊपर। अबोव 1500 एबोव आना पड़ेगा, उसके बाद आपको सनराइज सनसेट दोनों देखने के लिए मिल जाएगा। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तो
जाने क्या बुरा है क्या भला। আমি আছো বর্তমান পার্বতী পাহাড়ত। একচুয়ালি পার্বতী পাহাড়ৰ এটা আমি বর্তমান আহি আছো। তো একচুয়ালি পার্বতী পাহাড়টো কেনেকে হল, যে যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া পার্বতী মা অগ্নিত যা কৰিছিলে তেতিয়া শিবৰ বহুত মানে প্ৰচণ্ড খং উঠিছিল। খং উঠাৰ ফলত কি হল, যেতিয়া দেহটো লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল তেতিয়া বিষ্ণুৰ যোনটো চক্ৰৰে তেওঁৰ ক্ষুদ্ৰখন চক্ৰৰে মানে কি হ'ল, আপোনাৰ দেহটো কাটি পেলাইছিলে। কাটি কাটি যিবিলাক মানে অংগ তেওঁৰ পৰিছিলে, তো ইয়াতে এটা অংগ পৰিছিলে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত মানে এইখন মানে আপোনাৰ এইটো ভৰিখন পৰিছিলে। তো এনেকুৱা আমাৰ বুলি ক'ব গ'লে কামাখ্যা এটা এটা সেই শক্তিপীঠ হিচাপত জনাজাত। তেনেকুৱা এইটো পীঠ এটা হয় য'ত আমি পাৰ্বতী মাই পাৰ্বতী মাৰ ভৰিখন পৰিছিলে। তো ইয়াতে তেতিয়াৰ পৰাই এটা স্থাপিত হ'ল এটা পাৰ্বতীৰ পৰা এই জেগাখন নাম পাৰ্বতী পাহাৰ নামে জনাজাত হয়। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে পূজা পাতল হ'লে। তো আমি অসমতে থাকি এতিয়ালৈকে চাবলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। তো আমাৰ ভাগ্য আমি যেন আহিব পাৰিলোঁ, আজি চাব পাৰিলোঁ। স্পেচিয়েলি থেংক ইউ বিশাল। তো একচুৱেলি আমাৰ প্লেনিংটো আছিলে আমাৰ অসমত চবতকৈ যোনটো ক্লিনেষ্ট ভিলেজ হয়, তো সেই ক্লিনেষ্ট ভিলেজত যোৱাৰ কথা আছিলে। তো ছাডেনলি প্লেন হ'ল কি আমি ইয়াতে আহিম বুলি। তো আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে কি কৰিব লাগে, লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলে বাই 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 বাই।